वक्र तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्य नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सरिता मैडम प्रणव सेवा संस्था में आपका स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 में विषय हिंदी काव्य तीसरा मत बांटो इंसान को का पठन करेंगे और समझेंगे, जिसके कवि है विनय महाजन। इस कविता में विनय महाजन जी ने मनुष्यों को मिलजुल कर रहने की प्रेरणा दी है। मनुष्यों को किसी भी भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सभी भेदभावों को भूलकर एकता की दृष्टि से इस संसार को देखना चाहिए। यह प्रकृति भी हमें निरंतर यही उपदेश देती है, यानी यही संदेश देती है। इस कविता में एकता, मिलजुल कर रहना, समानता आदि मूल्य समाविष्ट है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम काव्य का पठन करेंगे और समझेंगे। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। गिरजाघर यानी चर्च या ईसाइयों का प्रार्थना स्थल। बांटना यानि विभाजित करना। कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, पर तुमने मंदिर मस्जिद गिरजाघर आदि अलग अलग पूजाघर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया है। इसी तरह तुमने अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है, सागरों को भी अलग अलग हिस्सों पर अपना अधिकार जमा कर उसका भी बंटवारा कर लिया। अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। अभी राह तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है। उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। राह याने रास्ता या मार्ग। मंजिल याने लक्ष्य या ध्येय। उजियाला याने उजाला या रोशनी। बंदी याने कैदी या गुलाम। मजबूर याने विवश या बेबस। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अभी तो समानता की शुरुआत हुई है, समानता का भाव अभी पूरी तरह फैलने में बहुत देर है, उसके लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी है वह अभी केवल धनी लोगों के घरों में ही है, गरीबों के झोपड़ों में अभी भी दीपक जल रहे हैं। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। घाटी यानी कि दो पहाड़ों के बीच का समतल रास्ता। यहाँ पर इंसान यानी मनुष्य। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि सूर्य का संदेशा अभी प्रत्येक घाटी और मैदान को नहीं मिला है। मानव समानता का जो विचार है वह दुनिया के बहुत से लोगों तक नहीं पहुंच पाया है। अभी हरी भरी है धरती, ऊपर नील वितान है, पर ना प्यार हो तो जग सुना रेगिस्तान है। क्या कहता है कवि? नील याने नीले रंग का, वितान याने विस्तृत या विस्तार, रेगिस्तान याने मरुभूमि या रेतीला प्रदेश, जग याने संसार या जगत। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि धरती अभी भी पहले की तरह ही हरी भरी है और ऊपर नीले रंग का आकाश भी पहले की जैसा ही है, लेकिन दुनिया में प्यार की भावना नहीं है। प्यार के बिना हरी भरी धरती वाला यह संसार जलते हुए रेगिस्तान के जैसा ही है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बांटो इंसान को। जल याने पानी, चट्टान याने शिलाखंड या बड़ा पत्थर, सागर याने समुद्र। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि
कि हमें हर प्यासी चट्टान को प्यार के लिए तरसते हृदयों को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। धरती बांट ली है तुम लोगों ने, सागर भी बांट लिया है, अब कम से कम इंसान को तो मत बांटो। साथ उठे सब तो पहरा हो सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हक हो खिलती हुई बाहर पर। पहरा यानि सुरक्षा या रखेवाली, द्वार यानि दरवाजा। यहाँ पर क्या कहते हैं कवि कि समानता के सूर्य का प्रकाश तभी सभी लोगों तक मिल सकता है जब सब लोग एक साथ जगे और अपना दरवाजा खोल ले। रोध न पाए फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा, मत बाटो इंसान को। रोदना यानि कुचलना, के विश्व में समानता की भावना फैलने पर कोई किसी पर जुल्म नहीं कर पाएगा। विद्यार्थी मित्रों, हमारा यह काव्य यहीं पर पूर्ण होता है। अगले पाठ का पाठन हम आगे के वीडियो में करेंगे। नमस्कार, आभार।